के बाद कोविड 32 की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी दी है। कोरोना की जांच से भाग रहा है चीन। चीन के वुहान लैब में बना कोरोना वायरस वैज्ञानिक कोविड 19 से ज्यादा खतरनाक मानते हैं कोविड 32 को। तो एक चिंतनीय विषय, क्योंकि कोविड 19 ने पूरी दुनिया में जिस तरह से कोहरा मचाया और अमेरिकी एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है कि कोविड 19 से कहीं ज्यादा घातक जो है कोविड 32 है, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उन्होंने दावा किया कि कोरोना जो है वो चीन के लैब में तैयार किया गया था, उसे बनाया गया था और अब दुनिया को कोविड 32 से भी सचेत रहने की जरूरत है। तो ये अमेरिका के एक्सपर्ट ने, वैज्ञानिक ने कही बात। कोविड 19 गया नहीं, कोविड 32 आने को तैयार। मछली मार्केट से निकलेगा नया वायरस, वुहान फिर बनाएगा कोरोना कब्रिस्तान, चीन वायरस पर चुप, दुनिया में चिंता। चीन के लैब में बना कोरोना हर पल अपना रूप बदल रहा है। वैज्ञानिकों को चकमा देने में माहिर चाइनीज वायरस तो बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किया है अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिकों ने। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं। 35.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई देश बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये जानलेवा वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कोविड 26 और कोविड 32 के आने की चेतावनी दे दी है। कोविड 19 के कहर को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड 26 और कोविड 32 कितना खतरनाक होगा। अमेरिका के टेक्सास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के सह निदेशक पीटर होटेल्स और कोरोना की फाइजर वैक्सीन बनाने वाले टीम के वैज्ञानिक स्टॉक गोटलिब ने दावा किया है कि अगर जल्दी कोविड 19 की उत्पत्ति, यानी ये वायरस कहां से आया और कैसे पैदा हुआ इसका पता नहीं चला, तो कोरोना अपने नए रूप कोविड 26 या फिर कोविड 32 में फिर सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब में बनाया गया। इसके कई सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिक कोविड 19 की जांच के लिए चीन के वुहान लैब में 6 महीने से 1 साल तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन चीन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।